हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेप्टोकोकस नमोनियाई और न्यूमोकोकस स्टेप्टोकोकस निमोनियाई कॉमनली नोन एज न्यूमोकोकस स्टेप्टोकोकस निमोनियाई को न्यूमोकोकस भी बोला जाता है विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ लोबार निमोनिया ह्यूमन बींग्स में ये लोबार निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बच्चों में ओटाइटिस मीडिया भी ये कॉज करता है यानी कि मिडिलयर इन्फेक्शन और हर एज ग्रुप में ये मैनिंजाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड पॉइंट इज दे आर एल्फा हीमोलिटिक दोस्तों न्यूमोकोकस अल्फा हिमोलिसिस शो करता है जब इसको हम ब्लड अगर पर ग्रो कराते हैं वैसे तो स्टेप्टोकाई बहुत सारे स्टेप्टोकोकाई हिमोलिसिस शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हिमोलिसिस शो करते हैं तीन टाइप की होती है हिमोलिसिस बेसिकली अल्फा टाइप बीटा टाइप एंड गामा टाइप तो जो न्यूमोकोकस है वो अल्फ़ा टाइप की हिमोलिसिस शो करता है यानी कि अल्फ़ा हिमोलिसिस हम कब बोलेंगे जब जोन ऑफ इनिबिशन ब्लड अगर पर जोन ऑफ इनिबिशन वन टू टू एम एम का ओनली बने वन टू टू एम एम का जब जोन ऑफ हिमोलिसिस बनता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा और इससे ज्यादा टू टू फोर एम एम का अगर बनता है तो बीटा हिमोलिसिस बोलते हैं और, और अगर हिमोलिसिस नहीं है तो उसको अल्फा टाइप की हिमोलिसिस बोला जाता है तो अल्फा हिमोलिसिस में ग्रीनिस डिशकन हो जाता है कॉलोनीज का यानी कि जब हम ब्लड अगर पर उसका उसकी ग्रोथ को देखें तो जोन ऑफ हिमोलिसिस वन टू टू एम का बनता है और ग्रीनिस डिस्कलेशन हो जाता है प्रजेंट एज कमन इन ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ह्यूमन बींग्स की अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट में ये एज ए कॉमनसल्स प्रजेंट रहते हैं यानी कि नॉर्मली ये अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट पर प्रेजेंट रहते हैं लेकिन uh, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं करते जब तक कि वो व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज ना हो जाए जैसे ही वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है यानी कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है इम्यूनिटी कमजोर होते ही ये बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देते हैं दे डिफर फ्रॉम अदर स्टेप्टोकोकाई मेनली इन इट्स मॉर्फोलॉजी बाइल सोल्यूबिलिटी ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड पोजिशन ऑफ ए स्पेसिफिक पॉलिसक्राइड कैप्सूल दोस्तों दूसरे स्टेप्टोकोकाई से न्यूमोकोकस जो है यानी कि स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो है वो थोड़ा सा अलग है किन आ, आस्पेक्ट्स पर एक तो मॉर्फोलॉजी इसकी डिफरेंट है और दूसरा ये बैक्टीरिया बाइल में सोल्यूबल होते हैं और ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं यानी कि ऑप्टोचिन की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं और ऑप्टोचिन के लिए ये सेंसिटिव होते हैं और बाइल में सॉल्युबल होते हैं और इनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक तो ये डिप्लोकोकाय होते हैं और पेयर्स में अरेंज होते हैं और उसके साथ साथ इनमें एक कैप्सूल की लेयर भी प्रेजेंट होती है नॉर्मली आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेलवॉल होती है Right? लेकिन इनमें क्या होता है कि सेल वॉल से भी बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड कैप्सूल और वो कैप्सूल किसकी बनी है वो कैप्सूल बनी है एक स्पेसिफिक की वो कैप्सूल बनी होती है तो अदर स्टेपोका से इन एस्पेक्ट्स में ये बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है अब बात करते हैं इसके इसकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेन्ज्ड इन पीयर्स जिसको हम डिप्लो कोकाई भी बोलते हैं ये पीयर्स में अरेन्ज रहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाय है द कोकाई आर अबाउट पॉइंट फाइव टू वन माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनका डायमीटर पॉइंट फाइव से वन माइक्रोमीटर तक रहता है और स्लाइटली इलांगेटेड कोकाए होते हैं विद वन एंड राउंडेड एंड अदर पॉइंटेड एक राउंड एक एंड तो इनका राउंडेड रहता है और दूसरा पॉइंटेड रहता है मैं आपको डायग्राम से शो करूंगा देखिए इस तरह से ये न्यूमो को कह रहते हैं एक एक एंड तो राउंडेड और दूसरा एंड पॉइंटेड तो इस तरह से इनका शेप बन जाता है शेप किस तरह का बनता है नॉर्मली जैसे आपने अगर फ्लेम अगर देखी हो कैंडल जलती हुई कैंडल की फ्लेम देखिए उसी तरह से आपको इनकी शेप मिलेगी तो इस तरह की शेप को बोलते हैं फ्लेम शेप या फिर इसको लेंश्योलेट शेप भी बोल दिया जाता है लेंशोलेट आपने देखा होगा पत्तियों की तरह का शेप ठीक है तो उनकी जो जो टिप होती है हो, पॉइंटेड होती है और जो नीचे का पार्ट होता, होता है वो राउंडेड होता है जस्ट लाइक दैट फ्लेम का भी इसी तरह का शेप बनता है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसी शेप में आपको मिलेंगे दैट्स आई आ, इनको हम बोलते हैं लैंश्योलेट बैक्टीरिया आ, इनको बोल दिया जाता है या फ्लेम शेप्ड बैक्टीरिया इनको बोल दिया जाता है दे आर नॉन मोटाइल ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि इन पे फ्लैजेला प्रजेंट नहीं होते ये लोकोमोशन नहीं कर सकते तो जब इन आ, इनका आप डेमोस्ट्रेशन करेंगे मोटिलिटी का हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा यानी कि उनमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते हैं दैट्स वाई दे आर नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरिंग होते हैं स्पोर फॉर्मिंग नहीं होते बैक्टीरिया द कैप्सूल एनक्लोजेज ईच पेयर जो कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया की वॉल के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हर पेयर को एनक्लोज करती है डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ इस तरह से ये बैक्टीरिया रहते हैं इनमें देखिए ये ये जो है ये एक स्पूटम की स्मेयर है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं दीज आर दस सेल्स ये पस सेल्स हैं और उनके बीच बीच में ये ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द डिप्लोकोकाई न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है इधर जूम करके इसको दिखाया गया है गॉट इट नाउ इसके विरुलेंस फैक्टर्स पे हम बात करेंगे यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको पैथोजेनेसिस इसकी पैथोजेनिसिटी में इसकी हेल्प करते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इसमें कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होती है तो सबसे पहला जो विरुलेंस फैक्टर है इसका दैट इज कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड इट इज़ द प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर ये प्रिंसिपल विरुलेंस फैक्टर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पैथोजेनेसिस में हेल्प करता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द कोकाई फ्रॉम फेगोसाइटोसिस ये फेगोसाइटोसिस से Uh, इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है यानी कि जब जब ये बॉडी में एंटर करता है तो हमारी जो फेगोसेटिक सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम में ये उनसे इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है तो पैथोजेनेसिस में इसकी हेल्प करता है इट इज़ टाइप स्पेसिफिक ये टाइप स्पेसिफिक होता है ये जो आपका एंटीजन है कैप्सुलर एंटीजन या कैप्सुलर पॉलिसक्राइड ये uh, हर तरह के सीरो टाइप में डिफर करेगा गॉट इट नाउ बींग सॉल्यूबल इट डिफ्यूजेज इन टू कल्चर मीडिया टिश्यू एंड एक्जुडेट्स हैंस कॉल्ड हैंड्स ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल स्पेसिफिक सबस्टांस क्योंकि ये सोल्यूबल होता है ये कल्चर मीडिया में भी आपका डिफ्यूज हो जा रहा है और टिश्यू और एक्जुडेट्स में भी ये इजिली डिफ्यूज uh, हो जा रहा है दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल स्पेसिफिक सबस्टांस नाउ द नेक्स्ट विरोलेंस फैक्टर इज सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इट इज स्पेसीज स्पेसिफिक ये स्पेसीज स्पेसिफिक है गॉट इट तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में डिफर करेगा मेड अप ऑफ राइबिटोल टिकॉइक एसिड लिंक्ड टू तो फ्रेगमेंट्स ऑफ पैप्टीडोग्लाइकन ये पैप्टिडोग्लाइकन के, के फ्रेगमेंट्स के साथ लिंक करता है आ, और ये बना होता है राइबिटोल और टिकॉइक एसिड के ये बने होते हैं इन सिरा ऑफ पेशेंट्स विथ एक्ट इन्फ्लामेशन है बीटाग्लोबिल एपियर्स विच विच प्रिसिपिटेट्स विथ न्यूमोकोकल सी एंटीजन हैंज कॉल्ड एच सी आर पी दोस्तों ये जो सी आर पी इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये हमारी लीवर सेल्स लिवर सेल्स हमारे कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करती है और ये जो सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है ये उन एक्ूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स के साथ ईजीली प्रसिपिटेट हो जाता है दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन्स इन प्रोटीन्स को बोला जाता है जिनको हमारे लिवर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं तो इन इन आ, प्रोटीन्स के साथ इन एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स के साथ ये जो सी कार्बोहाइड्रेट है सी कार्बोहाइड्रेट इजीली प्रिशिपेटेड हो जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं सी रिएक्टिंग प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन इनको बोला जाता है ये नॉर्मली बॉडी में बनती रहती है तो अगर इनका जो लेवल है नॉर्मल रेंज है अगर वो वो एलिवेट कर जाता है तो वो इन्फेक्शन को बॉडी में इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है नाउ द नेक्स्ट इज न्यूमोलाइसिन इट इज मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन ये एक मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन है विच इनिबिट्स न्यूट्रोफ़िल कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस सिमिलर टू स्टेप्टोलाइसिन ओ ये स्टेप्टोलाइसिन ओ जैसे कि स्टेप्टोकोकस पाइजींस में हमारा स्टेप्टोलाइसिन ओ रहता है ये उसी तरह का स्टेप्टोलाइसिन ओ टॉक्सिन की तरह का एक टॉक्सिन है न्यूमोलाइसिन जो कि की न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को इनिबिट करता है यानी कि आपको पता है दोस्तों कि जब भी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन होता है या आपका इन्फेक्शन होता है उस लोकल साइड पे सबसे पहले जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो हमारी आ, आ, इम्यून सेल होती हैं न्यूट्रोफिल वो सबसे पहले पहुँचती है गॉट इट क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ खींचते हैं उनको बोलते हैं कीमो एट्रैक्टेंट्स तो उन न्यूट्रोफिल्स का उस इंफॉर्मेशन साइट पर जाना उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस तो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को इनिबिट कर देते हैं ये न्यूमोलाइसेंस और साथ में फेगोसाइटोसिस को भी ये फेगोसाइटोसिस से भी ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं गॉट इट तो इस तरह से पैथोजेनेसिस में बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑटोलाइसेंस देखिए दोस्तों ये ऑटो का प्रोडक्शन इस न्यूमोकोकस की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है इट इज एन एमाइडेज एंजाइम दैट क्लीव्स इट्स ओन पेप्टिडोग्लाइकन लीडिंग टू ऑटोलाइसिस ऑफ सेल्स ये क्या करता है ऑटोलाइसेंस इस बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को क्लीव uh, कर देता है यानी कि ब्रेकडाउन कर देता है उस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की जिससे सेल का ऑटोलाइसिस होता है गॉट इट रिलीज ऑफ सेलवॉल फ्रेगमेंट्स लीड्स टू सेल्फ परपेटेटिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पैथोजेनेसिस दोस्तों क्या होता है कि जब ये आ, ये ऑटोलाइसिन रिलीज होता है तो ये पैप्टिडोग्लाइकन लेयर का ब्रेकडाउन करते रहता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको तोड़ते रहता है जिसकी वजह से क्या होता है सेल्फ परपेटिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि पैथोजेनेसिस में हेल्प करता है तो ये ऑटोलाइसिन की ही वजह से ये जो बैक्टीरिया है हमारा ये बैक्टीरिया बाइल में सॉल्युबल बाइल सॉल्युबिलिटी शो करता है क्योंकि बाइल की प्रेजेंस में ये जो हमारी प्रॉपर्टी है बाइल सॉल्युबिलिटी uh, ये सॉरी ऑटोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो बाइल की प्रेजेंस में बढ़ जाती है गॉट इट तो ऑटोलाइसिस होने की ही वजह से ये बैक्टीरिया क्या होता है बाइल में सॉल्युबिलिटी शो करता है नाउ न्यूमोकोकल सरफेस प्रोटीन ए इट प्रिवेंट्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम जो जो इम्यूनिटी के लिए जो कॉम्प्लीमेंट uh, का एक्टिवेशन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन से ये न्यूमोकोकल सरफेस प्रोटीन ए उसको प्रिवेंट करता है इट शोज सम सिमिलरिटीज टू एम प्रोटीन ऑफ एस पायोजीन्स नाउ द नेक्स्ट वन इज आई जी ए प्रोटीएज आई जी ए प्रोटीएज ये Uh, जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में जो आई एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है ये उसको क्या कर देता है वो उसको क्लीव कर देता है उसका ब्रेकडाउन कर देता है जिससे क्या होता है कि इसकी जो एंट्री है वो इजीली हो जाती है थस फैसिलिटेट्स एंट्री ये आई प्रोटीज uh, जो है वो एंट्री को फैसिलिटेट करता है बाई द ब्रेकडाउन ऑफ आई एंटीबॉडीज ना हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेश क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं निमोकोकाय कॉलोनाइज़ द ह्यूमन नेजोफेरिंग्स एट एन अर्ली एज बहुत जल्दी एज में बचपन में ही चाइल्डहुड में ही जो निमोकोकाय होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में कॉलोनाइज हो जाते हैं इनकी ह्यूमन uh, बींग्स की नेजोफेरिंग्स में कॉलोनाइज uh, हो जाते हैं फिर इधर से नेजोफेयरिंग्स से ये स्प्रेड करते हैं वा यादि ब्लड स्ट्रीम टू डिस्टेंट साइट्स जैसे कि जॉइंट्स में बोन्स में ब्रेन में और पेरिटोनियल uh, कैविटी में ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड करते हैं या फिर लोकल स्प्रेड इनका होता है लोकल स्प्रेड के थ्रू ये निमोनिया कॉज करते हैं और साथ में ओटाइटिस मीडिया भी कॉज कर सकते हैं वेरियस मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड लोबार निमोनिया सबसे पहले लोबार निमोनिया की बात करते हैं न्यूमोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोबार न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया के लिए न्यूमोकोकस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है पेशेंट्स डेवलप प्रोडक्टिव पुरुलेंट कफ फीवर एंड चेस्ट पेन पेशेंट में क्या होता है प्रोडक्टिव पुरुलेंट कफ कफ़ रेगुलरली बलगम बनता है और जो खांसी है खांसी के साथ बलगम निकलता है और उस वो बलगम कैसा रहता है वो उसमें थिकनेस रहती है बहुत गाढ़ा बलगम निकलता है पुरुलेंट उसमें पस सेल्स प्रेजेंट होती है और पेशेंट को फीवर आता है और साथ में चेस्ट पेन की भी प्रॉब्लम रहती है चेस्ट में रेगुलरली पेन बना बना रहता है मेजर साइन क्या है मेजर साइंस आर डलनेस और परकशन ड्यू टू कंसोलिडेशन देखिए जब हम प्रकर्शन करें चेस्ट पे तो कॉन्सोलिडेशन वहाँ पे मिलता है यानी कि जो हमारी नॉर्मल जो एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं लंग्स में जो एयर स्पेसिस प्रेजेंट रहते हैं उनमें फ्लूड भर जाता है तो उनमें फ्लूड भरने की वजह से प्रकर्शन वहाँ पे होता है जब आप लंग्स पे ऐसे ऐसे प्रकर्शन करेंगे तो वो बचता है एक ढोल की तरह की आवाज़ उधर से आती है तो ये एक मेजर साइन है और साथ में क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन अगर आप आ, जब डॉक्टर आपका स्टैथोस्कोप से देखे तो जब आप स्टैथोस्कोप से उसको आ, सुने साउंड अपने लंग से साउंड सुने तो एक क्रैकलिंग साउंड वहाँ से आती है क्रैकलिंग का मतलब है घरघराहट की एक साउंड वहाँ से निकलती है तो वो साउंड बहुत ही वो उसका क्या है मेजर साइन है वो साउंड आना और डलनेस uh, और परकशन ये दो इसके मेजर साइन होते हैं किसके लोबार निमोनिया की नेक्स्ट इज एम्पाइमा पस फिल्ड पॉकेट्स बन जाते हैं दोस्तों प्लूरल स्पेसेस पे जब पस फिल्ड पॉकेट पॉकेट्स डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एम्पाइमा तो एम्पाइमा भी एक uh, इसका कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोनिया uh, uh, का नाउ द नेक्स्ट वन इज पायोजेनिक मैनिजाइटिस न्यूमोकोकस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैनिंजाइटिस इन ऑल एजेज एक्सेप्ट इन न्यूनेट्स न्यूनेट्स को छोड़कर यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को छोड़कर बाकी ऑल एज ग्रुप्स में न्यूमोकोकस मैनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अदर इन्वेसिव इन हैं जैसे कि ऑस्टिमाइलिस सेप्टिक आर्थराइटिस एंडोकार्डाइटिस प्राइमरी पेरिटोनाइटिस एंड ब्रेन एक्सरसाइज ये कुछ इन्वेजिव मैनिफेस्टेशन हैं कुछ नॉन इन्वेजिव मैनिफेस्टेशन भी होते हैं जैसे कि ओटाइटिस मीडिया है साइनोसाइटिस है ये नॉन इन्वेजिव मैनिफेस्टेश होते हैं अब बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करता है ऑफ़ कैरियर्स कैरियर्स में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स जनरेट होता है लेस ऑफन पेशेंट पेशेंट लेस ऑफनली सोर्स रहते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ बाई इन्हलेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट्स कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट्स यानी कि अगर कोई पेशेंट इससे इन्फेक्टेड है और आपके सामने वो कॉफिंग कर रहा है या स्नीजिंग आ, उसमें हो रही है छींक कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स से आ, अगर आप तक पहुंच जाएँ तो आप उससे इन, इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं इन्फेक्शन यूजुअली लीड्स टू कॉलोनाइजेशन नॉर्मली जो इन्फेक्शन uh, की बात अगर करें तो कॉलोनाइजेशन जो बैक्टीरिया का हो रहा है लोकल साइट पे इन्फेक्शन उससे बन सकता है लेकिन डिजीज रिजल्ट ओनली वन द होस्ट इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्यू टू एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स इसमें रहते हैं अगर उस पेशेंट में वो चीज़ें हैं आ, उस इंडिविजुअल में तो डिजीज़ उससे हो सकती हैं तो वो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे चिल्ड्रंस ऑफ ऑफ द एज ग्रुप लेस देन टू टू इयर्स दो साल से नीचे के बच्चे में uh, अगर बच्चा दो साल से नीचे का है एज ग्रुप का है तो वो हायर रिस्क पर है बिकॉज ऑफ दियर इन टू प्रोड्यूस एडिक्वेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैप्सुलर एंटीजन जो इसका कैप्सुलर एंटीजन है मेनली ये बैक्टीरिया आपको पता है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो कैप्सूल इसका जो आ, है वो मेजर एंटीजन का काम करता है तो आ, जो बेबीज होते हैं दो साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो हाई रिस्क पर रहते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है उनमें इमेच्योर इम्यूनिटी होती है इमेच्योर इम्यून सिस्टम होने की वजह से वो आ, इनेबल यानी कि एबल नहीं होते कि वो एडिक्विड एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकें अगेंस्ट दैप्सुलर एंटीजन गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज स्प्लिनेक्टोमी। अगर किसी uh, व्यक्ति ने अपनी स्प्लीन को निकाल दिया है यानी कि स्प्लीन ऑपरेट हो चुकी है ठीक है स्प्लीन निकाल दिए कोई प्रॉब्लम की वजह से तो ऐसिन इज द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बिकॉज क्या होता है कि जो हमारी स्प्लीन है स्प्लीन आपको पता है कि उसको ब्रेवियार्ड ऑफ आर भी बोला जाता है तो वो एक तरह के का कब्रिस्तान है तो जितना भी डिस्ट्रक्टेड मटेरियल होता है जितनी भी डिस्ट्रक्टिव सेल्स होती हैं वो स्प्लीन में चली जाती हैं तो अगर स्प्लीन ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऑप्शोनाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती क्लियरेंस ऑफ सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया नहीं हो सकता तो क्लियरेंस ऑफ सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया अगर हैम्पर हो जाए ड्यू टू द एबसेंस ऑफ स्प्लीन तो क्या हो सकता है कि ये रिस्क फैक्टर हो सकता है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के अटैक के लिए आपकी बॉडी में न्यूमोनिया होने के लिए गॉट इट तो ऑप्शनाइजेशन नहीं हो सकता और जो सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया है उनका क्लियरेंस नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स आर अंडरलाइंग कॉमोरबिट uh, डिजीजेज अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी कोई डिजीजेस चल रही हैं ठीक है तो वो भी रिस्क फैक्टर है इसके लिए जैसे कि क्रोनिक लंग हार्ट एंड लीवर डिजीजेज डायबिटीज़ मेलाइटस एंड एच आई वी इन्फेक्शंस अंडरलाइंग वायरल अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी इसके लिए uh, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा है और आपका कोरोना कोविड uh, 19 पे आपने देखा होगा कि कोविड 19 से अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और ज़्यादा समय तक वो अनट्रीटेड रह रहा है ज़्यादा समय तक वो इन्फेक्शन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकेंड्रिली uh, उसमें निमोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है तो कोविड 19 जो है वो भी इन्वाइट करता है किसको निमोकोकस न्यूमकोकस इन्फेक्शन न्यूमोकोकल इन्फेक्शन को नाउ नेचर ऑफ इन्फेक्टिंग सीरोटाइप्स भी डिपेंड करते हैं इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन में चिल्ड्रन uh, में सीरोप्स फोर सिक्स वी नाइन वी फोर्टीन एटीन सी नाइनटीन एफ एंड ट्वेंटी थ्री एफ आर कॉमन चिल्ड्रन में ये सीरो टाइप्स कॉमन होते हैं और एडल्ट में सीरो टाइप्स वन टू एट आर कॉमन एंड विरुलेंट टाइप की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विरुलेंट है हमारे सीरो टाइप थ्री उसके बाद फिर सेवन सीरो टाइप थ्री फॉलोड बाई सेवन मोर विरुलेंट ये रहते हैं अब बात करेंगे इसके लैबोरेटरी डायग्नोसिस की कि लैब में हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं तो डायग्नोसिस के लिए हमें स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिमेन कलेक्शन करना होता है हमें स्पेसिमेन हम क्या ले सकते हैं स्पेसिमेन या सैंपल आप बोल सकते हैं स्पूटम ले सकते हैं सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड ले सकते हैं प्लूलर प्लूरल फ्लूड ले सकते हैं और ब्लड ले सकते हैं इन्वेजिव इन्फेक्शंस के केस में हम ब्लड को ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप विल बी डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट माइक स्मेयर माइक्रोस्कोपी मीन्स आप डायरेक्टली जो स्पेसिमेन आपके पास आया है उसको आप डायरेक्टली उसकी स्मेयर बना के उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं विच रिवील्स पस सेल्स एंड फ्लेम शेप्ड फ्लेम शेप्ड ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोका सराउंडेड बाय ए क्लियर हेलो यानी कि क्लियर हेलो का मतलब है कि बाहर से उसकी कैप्सूल आपको दिखेगी कैप्सूल का जो डेमॉन्स्ट्रेशन होता है दोस्तों वो हम इंडियन इंक प्रिपरेशन से करते हैं यानी कि जब आप बैक्टीरिया को इंडियन इंक से बैक्टेरिया स्मेयर को आप इंडियन इंक से अगर ट्रीट कराएं तो ये इसकी जो कैप्सूल रहती है वो इंडियन इंक को इंटेक नहीं कर पाता तो वो जो कैप्सूल की लेयर है वो हेलो आपको दिखती है ब्लैक बैकग्राउंड में डार्क बैकग्राउंड में आपको वो इंडियन इंक कैसे दिख, वो कैप्सूल आपको कैसे दिखती है हेलो दिखती है तो उससे पता चलता है कि उस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है क्योंकि जो कैप्सूल है वो इंडियन इंक को इं, इंटेक नहीं कर पाता नेक्स्ट स्टेप कैप्सूलर एंटीजन डिटेक्शन इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कैप्सुलर एंटीजन का डिटेक्शन आप कर सकते हैं बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करके आप सी uh, एस में कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम इसमें यूज करते हैं लेटेक्स बीड्स कोटेड विद एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज उनको यूज करते हो हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू सी में एंटीजन डिटेक्शन कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं ना हो कल्चर के थ्रू भी हम इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल्चर हमें करना होगा कल्चर uh, के लिए दोस्तों क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फेस्टिडियस होता है तो फेस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए हमें कुछ एनरेज जो हमारे कल्चर uh, मीडिया uh, रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल जो ऑर्डिनरी न्यूट्रेंट अगर न्यूट्रेंट ब्रॉथ इन पे हम इसको ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि ये फेस्टिडियस है इसको एनरेज कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द बेटर ग्रोथ तो उसके लिए हमें ब्लड अगर चॉकलेट अगर इस तरह के जो मीडियम है वो यूज करने होते हैं तो सबसे पहले ब्लड अगर की बात करें तो ब्लड अगर में ये ड्रॉट या कैरम कॉइन लाइक कॉलोनी इसमें अपेयर होती हैं ब्लड अगर पे गॉट इट तो कैरम कॉइन लाइक अपेयरेंस होती है याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि कैरम कॉइन अपेयरेंस कॉलोनीज किस बैक्टीरिया की होती है कभी कभी ये एमसीक्यू में भी पूछ दिया जाता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूमोकोकस बैक्टीरिया चॉकलेट अगर की अगर बात करें तो चॉकलेट अगर पर परेशन शो करता है यानी कि तो से ग्रीनिस डिस्कलेशन होता है लिक्विड मीडियम पर यह यूनिफॉर्म टर्बिडिटी शो करता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो डायग्राम आपका ए है इस पर ये ब्लड अगर पर ग्रोथ है जिसमें आपको दिख रही होगी ट्रॉट्समैन या कैरम कॉइन लाइक अपीयरेंस आपको दिख रही होगी और जो दूसरा बी स्ट्रक्चर आप दे बी डायग्राम आप देख रहे हैं ये चॉकलेट अगर पर ग्रोथ है न्यूमोकोकस की जिसमें ग्रीनिश डिस्कलेशन शो हो रहा है नाउ कल्चर स्मेयर कल्चर कर लेने के बाद कल्चर कल्चर uh, जो कैरेक्टरिस्टिक्स uh, हमने देखी उसके बाद फिर कल्चर स्मेयर बनाई जाती है कल्चर स्मेयर बनाई जाती है कल्चर uh, से हम स्मेयर का प्रिपरेशन प्रेपरे, करेंगे विच रिवील्स लेंसीोलेट शेप्ड जब हम उसको ग्राम स्टेनिंग प्रोवाइड कराएंगे ग्राम स्टेनिंग करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें हमें दिखेगा लेंसीोलेट शेप्ड ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें उसमें विजिबल होते हैं जो कि पेयर्स में अरेंज्ड रहते हैं द फाइनलीन के लिए हमें बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि कल्चर uh, या माइक्रोस्कोपी के बेस पे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये न्यूमोकोकस है तो उसके लिए हमें बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा तो बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन को स्पेसिफिक बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन यहां पे रहते हैं न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के, के केस में जिससे हम कंफर्म कर लेंगे कि ये बैक्टीरिया क्या है न्यूमो कोकस है सबसे पहले बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग की बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बैक्टीरिया बाइल में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये ऑटोलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं तो ऑटो ऑटोलिटिक एक्टिविटी की वजह से ये बाइल में सॉल्युबल होते हैं जैसे कि जो विरिडेंस स्टेप्टोकाई होते हैं वो वो बाइल में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ये जो स्टेप्टोको स्टेप्टोकोकस निमोनियाई है ये ऑटोलिटिक प्रॉपर्टी की वजह से बाइल में सोल्यूबल रहते हैं तो अगर हम इसको टेन परसेंट सोडियम डिऑक्सीकोलेट में हम जब इसको डालें इसकी कॉलोनीज को मिक्स करें तो ये क्या हो जाता है एक क्लियर इससे जो सॉल्यूशन है वो क्लियर आ जाता है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हैं वो उस टेन परसेंट वो उस टेन परसेंट सोडियम डिओक्सीकोलेट में क्या हो जाते हैं उसकी जो कॉलोनीज हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं पूरी तरह सोलिबल हो जाता है गॉट इट तो बाइल सोल्यूबिलिटी की बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बैक्टीरिया बाइल में सोल्यूबल होता है नेक्स्ट इज ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्टिंग ऑप्टोचिन ये बैक्टीरिया क्या होता है ऑप्टोचिन के लिए सेंसिटिव होता है तो ऑप्टोचिन एक क्या है एक ड्रग है ऑप्टोचिन एक ड्रग है ये एक ऑप्टोचिन डिस्क होती है जिसमें क्या होता है फाइव फाइव सॉरी फाइव फाइव माइक्रोग्राम फाइव माइक्रोग्राम इथाइल हाइड्रोक्यूप्रीन को हम ऑप्टोचिन बोलते हैं इथाइल हाइड्रो हाइड्रोक्यूप्रीन क्यूप्रीन फाइव माइक्रोग्राम इथाइल हाइड्रोक्यूप्रीन को ऑप्टोचिन uh, बोला जाता है तो जब ये डिस्क uh, हम लगाएंगे यानी कि हम जब सेंसिटिविटी uh, टेस्टिंग लगाएंगे जो मीडिया हमारा जो मीडिया हमारा फ्लड है किससे न्यूमोकोकस से उसके बीच में जब हम एंटीबायोटिक डालें कौन सी ऑप्टोचिन एंटीबायोटिक रखें तो उसमें क्या बनता है जोन ऑफ इनिबिशन बनता है तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपका जोन ऑफ इनिबिशन फोर्टीन फोर्टीन एम mm एम या मोर देन फोर्टीन एम एम बन रहा है तो इसका मतलब क्या है वो ड्रग के लिए बैक्टीरिया क्या है सेंसिटिव है तो ऑप्टोचिन का जो, जो जोन ऑफ इनिविशन है Uh, कितना बनता है 14 mm का जोन ऑफ इनिविशन बनता है जिसे हम क्या बोलेंगे कि ऑप्टोचिन क्या है उस ऑप्टोचिन के लिए बैक्टीरिया वे क्या है सेंसिटिव है तो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्टिंग के बेस पे ये बैक्टीरिया को हम क्लियर कर देते हैं नेक्स्ट हम इनुलिन फर्मेंटेड फर्मेंटेशन भी शो कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं ये बैक्टीरिया क्या होते हैं ये बैक्टीरिया इनुलिन को फर्मेंट कर देते हैं इट इनुलिन को फर्मेंट कर देते हैं बाकी जो अदर टप्टो होते हैं वो इनुलिन को का फर्मेंटेशन नहीं करते ये बैक्टीरिया इनुलिन को फर्मेंट करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा दोस्तों फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें बाइल सोल्युबिलिटी को मैंने दिखाया हुआ है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि ये इसमें टर्बिडिटी आपकी आ रही है इसका मतलब ये बाइल इनसोल्युबल है दूसरा जो है वो पॉजिटिव है जिसमें आपको क्लियर एकदम क्लियर uh, मीडियम आपको दिख रहा है तो वो शो कर रहा है बाइल सॉल्युबिलिटी को गॉट इट दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी का जिसमें ये मिडिल पे ये ऑप्टोचिन की डिस्क लगाई हुई है और उसके अराउंड ये देखिए ये जोन ऑफ इनिबिशन डेवलप हुआ है मिनिमम ऑफ फोर्टी एम एम का या इससे ज्यादा अगर बनता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टोचिन सेंसिटिव है गॉट इट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इनुलिन फर्मेंटेशन तो इनुलिन फर्मेंटेशन देखिए फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है वो अन इनोकुलेटेड है यानी कि इसमें कोई बैक्टीरिया को हमने इनोकुलेट नहीं किया है इन इनुलिन पर दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है वो नेगेटिव शो कर रहा है यानी कि इसमें हमने बैक्टीरिया लगाया था लेकिन रिजल्ट क्या है नेगेटिव आया तो जो थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें आप देख रहे हैं कि येल्लो कलर बन गया है यानी कि जो इनोलिन का ओरिजिनल कलर है वो चेंज हो गया है येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब फर्मेंटेशन हुआ है और एसिड का फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है ये पॉजिटिव है तो ये किस चीज को शो कर रहा है इनोलिन फर्मेंटेशन को शो कर रहा है अब बात करते हैं सीरो टाइपिंग की तो सीरो टाइपिंग हम क्यूलिंग रिएक्शन के बेस पर भी कर सकते हैं और आज के समय में आजकल क्यूलंग रिएक्शन को परफॉर्म नहीं किया जाता है ज्यादातर जो सीरो टाइपिंग है वो लेटेक्स सीरोक्स के बेस पे की जाती है नेक्स्ट मेथड है मोलिकुलर मेथड मोलिकुलर मेथड के थ्रू भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं जिसके लिए हमें मल्टीप्लेक्स पीसीआर की रिक्वायरमेंट होती है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी हम कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए जिसमें हम सी uh, आर के लेवल को देखते हैं और साथ में uh, uh, या फिर सी या फिर uh, प्रो कैल्सिटोनिन लेवल को हम देखते हैं तो अगर इनका लेवल इंक्रीज आ रहा है अगर इनका लेवल इंक्रीज आ रहा है तो वो इन्फेक्शन को शो कर रहा है तो ये नॉन स्पेसिफ़िक है इसके बेस पे आप नहीं कह सकते कि ये न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन के, के केस में जो आपका सी का नॉर्मल लेवल है वो एलिवेट हो जाता है तो ये जो सी है ये फेज़ एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा लीवर uh, इनको प्रोड्यूस करता है तो ये नॉर्मली एक नॉर्मल रेंज में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं तो जब इनका लेवल एक्सीड कर जाता है एलिवेट कर जाता है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में ये हमारा आता है ऐसे ही प्रो कैसीटोलिन के बेस पर भी हम इसको देख सकते हैं नेक्स्ट ल्यूकोसाइटोसिस के बेस पे ये ल्यूकोसाइटोसिस भी नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस है तो क्योंकि इन्फेक्शन के केस में मैक्सिमम इन्फेक्शन के केस में आप देखते हैं कि आपकी टी बढ़ जाती है आपकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है या डी बढ़ जाती है यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जिसमें आपकी ल्यूको आपकी न्यूट्रोफिल्स बढ़ सकती हैं आपका बेसोफिल्स बढ़ सकती हैं आपकी ईसनोफिल्स बढ़ सकती हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस भी एक नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस है इसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी आप ले सकते हैं ये भी एक तरह का नॉन स्पेसिफिक है लेकिन आ, हम इसको भी कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे आपको क्या शो करेगा चेस्ट एक्सरे में कॉन्सोलीसन आपका निकल के आता है कि कॉन्सोलिडेशन का मतलब है कि देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इतना पोर्शन ये कॉन्सोलीटेड आपका आया हुआ है यानी कि इस एरिया में आपका क्या हुआ है फ्लूड का एक्यूमुलेशन हुआ है जो एयर स्पेसेस हैं उनमें फ्लूड एकूमलेशन हुआ है तो अगर आप यहाँ इस, इस इस एरिया में अगर हम प्रकर्षण करें तो यहाँ पे एक आवाज़ एक साउंड यहाँ पे डेवलप होती है ढोल की जैसे साउंड एक अलग से साउंड यहाँ से निकल के आएगी तो चेस्ट एक्सरे में इतनी कहीं किसी भी एरिया में अगर कॉन्सोलिडेशन शो हो रहा है तो वो न्यूमोकोकस को इंडिकेट कर सकता है जो कि नॉन नॉन स्पेसिफिक हम इसको मान सकते हैं गॉट इट तो बहुत सारे इन्फेक्शन केस में ऐसा हो सकता है Now, antibiotic sensitivity test. दोस्तों जब भी हम किसी भी बैक्टीरियल या किसी भी माइक्रोवियल इंफेक्शन को हम ट्रीट करने जाते हैं तो उससे पहले हमें ए एस परफॉर्म करना होता है प्रॉपर प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए तो इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग या एस इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है तो ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हम पेनिसिलिन जी ड्रग हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है और कोई पेशेंट अगर पेनिसिलिन जी से एलर्जिक है या पेनिसिलिन जी उसमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उस केस में हम मैक्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्रोलाइट्स दी जा सकती हैं पेशेंट्स को मैक्रोलाइट्स में जैसे रिथ्रोमाइसिन है रॉकजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो मैक्रोलाइट्स में आती हैं वो हम दे सकते हैं किस केस में जब पेशेंट पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक हो या फिर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस शो करता हो चिल्ड्रन्स में जो कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से इन्फेक्टेड हैं उनमें हम ओरल एमोग्जीसिल दे सकते हैं गॉट इट और अल्टरनेटिवली हम सीफेलोस्पोरिन्स जैसे कि सेफ्ट्रीएग्जोन को भी हम इसमें एज ए अल्टरनेट ड्रग यूज कर सकते हैं फाइनली हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन की प्रिवेंशन तो जैसे कि आपको पता है तो दोस्तों जो रिस्क फैक्टर्स हैं यानी कि जो जो डिजीजेज हैं जो जो इसको इनवाइट कर रही है न्यूमोकोकल इन्फेक्शन को उनको हम जल्दी से जल्दी ट्रीट करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज को क्योंकि डिजीज़ जो है वो अंडरलाइंग कंडीशन अंडरलाइंग डिजीजे की ही वजह से ज़्यादातर होती है दूसरा हम वैक्सीनेशन की थ्रू भी इस डिजीज से आ, अपने आप को बचा सकते हैं जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वैक्सीनेशन करना पड़ेगा तो दो तरह की वैक्सीन्स इसमें आ, अभी तक बनी हुई है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइट वैक्सीन बनी हुई है दो तरह की पहली तो बनी है आपकी 23 थ्री वैलेंट जिसको पीपी वी ट्वेंटी थ्री वी बोल दिया जाता है पॉलीसेकेराइट वैक्सीन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइट वैक्सीन इनको बोल दिया जाता है जिसको जो जिसमें पहली जो वैक्सीन है वो कौन सी है 23 थ्री वैलेंट पीपी वी वैक्सीन तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है ये पाँच साल तक आपको बचाती है गॉट इट तो एक बार अगर आपने इसका इंजेक्शन लिया है तो ये पाँच साल तक आपको आ, आ, इस डिजीज से प्रिवेंट करती है और इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जैसे कि आ, तीन साल से नीचे के एज के बच्चे को आप इन इस, इस वैक्सीन को नहीं दे सकते क्योंकि ये क्या होती है टी इंडिपेंडेंट टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस होती हैं और ये बच्चों के लिए पोअरली इम्यूनोजेनिक हो सकती है इसीलिए तीन साल से नीचे के बच्चे को पी पी वी ट्वेंटी थ्री रिकमेंड नहीं की जाती है और इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये नहीं दी जाती ये इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स हैं कि हम इनको तीस इस इस वैक्सीन को तीस तीन साल से नीचे के बच्चे को नहीं दे सकते प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते मेलीग मैलि, मेलिग्नेंसीज़ के केस में इस वैक्सीन को हम यूज़ नहीं कर सकते ये इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहते हैं और जो पेशेंट जो पेशेंट आपके जो जो इंडिविजुअल्स आपके 65 फाइव एज से ऊपर के हैं या जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है या क्रोनिक लंग इन्फेक्शन है हार्ट इन्फेक्शन है किडनी लिवर ऐसे इन्फेक्शन है उन पे इस इस वैक्सीन का हम यूज कर सकते हैं दूसरी टाइप की वैक्सीन है सेवन वैलेंट पॉलिसक्राइट कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको पी सेवन वैक्सीन बोल दिया जाता है क्योंकि ये वैक्सीन जो है सेवन सीरो टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है साथ में इसमें प्रोटीन कॉन्जुगेट भी यूज किया गया है कौन से वो सेवन टाइप्स हैं वो हैं चिल्ड्रन टाइप्स बेसिकली इसमें यूज किए गए हैं जो कि फोर सिक्स वी नाइन वी फोर्टीन एटीन सी नाइन नाइनटीन एफ एंड ट्वेंटी थ्री एफ और साथ में इनमें ऐड किया जाता है प्रोटीन कॉन्जुगेट लाइक सी आर एम क्रॉस रिएक्टिंग मटेरियल वन नाइन्टी सेवन जो कि किससे लिया जाता है जो कि डिफ्थीरिया टॉक्सिन से लिया जाता है तो इस डिप्थीरिया टॉक्सिन से लिया गया प्रोटीन कॉन्जुगेट इन सेवन सीरो टाइप्स के साथ मिल के क्या बनाता है सेवन वेलेंट पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाता है जिस वैक्सीन को हम तीन साल के नीचे से नीचे एज ग्रुप के बच्चे पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं दे सकते हैं उस बच्चे को भी और इसका जो शेड्यूल है यूज करने का इस 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 वैक्सीन को लेने का जो शेड्यूल है वो टू फोर सिक्स एंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन मंथ्स में हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं डॉटिट तो इतने डोज इसकी दी जाती है पहली डोज दी जाती है टू मंथ्स की एज में और दूसरा फोर दैन थर्टी सिक्स में और फिर बूस्टर हम कर सकते हैं ट्वेल्व से फिफ्टीन मंथ्स की एज ग्रुप में हम इसका बूस्टर डोज ले सकते हैं तो दो तरह की वैक्सीन्स अभी तक बनी हुई हैं जो कि यूज की जाती हैं न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से बचने के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आपके समझ में ये वीडियो आया होगा अगर आपके समझ में ये वीडियो आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक like करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी थैंक यू वेरी मच